अच्छा क्लीन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कर लिया है मेरा ब्रेकफास्ट और आज क्या पता से जो मुझे लग रहा था थोड़ा मेरा पेट में दर्द है, वो उसका मुझे इलाज थोड़ा मिल गया, क्योंकि कल परसों जो मेरा पैर है वो खिसक गया था। तो कहते हैं पैर खिसकता है तो नाभि भी खिसक जाती है, तो मेरी नाभि शायद खिसक गई है। तो हमारे यहाँ पर एक गुज्जर भाई हैं, वो सही कर देते हैं, तो उनको बुलाया मैंने। जब तक वो आते हैं तब तक मैं खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी भी आज नहीं है घर पर, और खाना बना के मुझे जल्दी सैलून पे जाना है, क्योंकि मेरी 2-3 ब्राइडल का आज सर्विस है। सो इसीलिए मुझे आज जल्दी ही फ्री होके जाना पड़ेगा। और ज्योति भी अभी तक सैलून पे आई नहीं है, तो उसको मैंने कॉल कर दिया है, वो पहुँच जाएगी, क्योंकि अभी 11 बजते में एक ब्राइड तो आ जाएगी, उसका फाइनल सर्विस है, इसलिए फाइनल सर्विस में बहुत टाइम लगता है। अब खाना क्या बनाऊँ वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, पर मैं सोच रही हूँ मूँग ही बना देती हूँ। मूँग बना देती हूँ, दाल रोटी, मूँग और चावल और रोटी बना देती हूँ, ये सही रहेगा। तो जल्दी से प्रिपरेशन कर देती हूँ इसकी और फिर नहाने के लिए जाऊँगी। और जाने से पहले एक बार देख लेती हूँ प्रिपरेशन करने से पहले कि मिट्टू का खाना कैसे है, नहीं तो उनको खाना रखना पड़ेगा। अच्छा, इनके पास तो है खाना, खाना इनके पास तो है, फिर जाऊंगी तब खाना इनके लिए रख के जाऊंगी, ताकि इनको भी भूख नहीं लगे। और मैं पूरे दिन में कब घर पे आऊँ कुछ फिक्स नहीं है, शाम को कितने बजे आऊँ, इसीलिए खाने में फिर मैंने डिसाइड किया कि उड़द की दाल और चावल और रोटी बना देती हूँ, क्योंकि मूंग की दाल थोड़ी इस सीज़न में कम भाती है और उड़द की दाल ठंड में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने बिगर फ्राई की उड़द की दाल बनाई है, और ये चावल, और ये अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ। कल रात के थेपलों का आटा थोड़ा सा रह गया था, तो अभी उसके एक दो थेपले भी बना दूंगी। तो फटाफट से कर देती हूँ काम, और शॉप पर फिर क्लाइंट मेरा वेट कर रहे हैं, और ज्योति भी वहाँ पर कर रही है काम, बट मुझे जाना पड़ेगा ना। खाना खा लिया है, अब चलते हैं शॉप पर, और घर अब क्लोज कर देती हूँ। गीवल्ला यहीं रह गया, कितना भी याद रखो एक एक चीज़ रह जाती है। अब चली जाती हूँ चिकू के पास। अच्छा क्लीन देखा, बिल्कुल नॉट ऑयल कुछ भी, अब देख लो कितना यूज कर। हाँ, हम अभी शिवानी दीदी को डेमो दे रहे हैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, थोड़ा और ले ना, इतना ही लेती हूँ मैं तो, थोड़ा सा और ले बस। चेक चेक एक बार तो फेस पे अच्छे से दबा के मसाज कर लूँ, कुछ भी को हाथ अच्छे लग रहे हैं, पहले वाले हाथ और अभी वाले हाथ को ही देखे। मेरा हाथ फिसल गया। और करा उधर टेस्टिंग। इतना सारा लूंगी तो फिर अपने आप ही दिख जाएगा, नहीं दिखेगा क्या? दिख जाएगा क्लो। मेरा रियल चेहरा कैमरे में आएगा, मुंह दिखाई नहीं देगा। अच्छा, होता नहीं आता है। अच्छा, ऑर्गेनिक इसलिए फेस वाला दूसरा, जाक वाला दूसरा है। अच्छा, फेस वॉश अलग होता है, फेस क्लेंजर ऐसा रहता है। ये अभी स्किन ग्लो कर रही है। मैं तो यही यूज करता हूं डेली। विटामिन सी यूज करता हूं। अच्छा, लाइव डेमो दे रहे हैं हम। यू लुक लाइक सो फ्लॉलेस। बस अब टोनर लगा दो। टोनर स्प्रे वाला ही है। बस अब आ जाओ आगे, ये लेके आऊं दोनों। एक ब्राइडल की तो सर्विस हमने कंप्लीट कर दी है, अब नेक्स्ट ब्राइडल आने वाली है। और ज्योति अभी लेके आई है मेलोडी, कहाँ से लेके? अच्छा, तो ये मेलोडी लेके आई है, अभी ये खाती हूँ। और साथ ही साथ आज काम क्या, थोड़े से हम ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि हमको आज शुगर का बनाना था पूरा प्रॉपरली ऑर्डर, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो न्यू लॉन्च हुए हैं, इसलिए तो उसके लिए पूरा ऑर्डर बनाया। और साथ ही साथ पीछे सैलून में भी बिज़ी थी, आगे भी बिज़ी थी, तो थोड़ा सा अभी समय की कमी है। पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा, अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, और घड़ी देखते देखते याद आ गया मुझे मेरी रिंग्स भी पहननी है। अभी बज रही है 7:30, अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। आज ब्राइडल्स की फाइनल सर्विस थी, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। ज्योति तो टाइम हो, उसकी भी टाइम हो गया था, तो वो चली गई है। अब मैं अभी सैलून मंगल कर रही हूँ। सैलून अभी मंगल कर रही हूँ, और अब जाऊँगी घर पे।
आज मम्मी है नहीं, फ़ोन करती हूँ आ गई क्या है, फिर घर पे जाके क्या खाना बनाना है वो भी तैयारी करनी है, घर पे जाके खाने की क्या तैयारी करूँगी। सुबह तो पालक पड़ी है, पालक बनाएंगे। और नेल पेंट्स पर काफ़ी अच्छा ऑफर आया है, 4 नेल पेंट पर आपको 1 नेल पेंट फ्री है। तो नेल पेंट्स तो ऐसे भी लड़कियों के काम आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा रनिंग में रहती है नेल पेंट, क्योंकि हमको हर ड्रेसअप के साथ नेल पेंट भी सेम कलर की लगाना काफ़ी अच्छा लगता है, और लगानी ही चाहिए क्योंकि हमारे नेल्स हमारे फेस को अलग ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए आगे शॉप में मैं आ चुकी हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ अच्छी चीज़ बताई जाए, और वो अच्छी चीज़ आज के लिए अच्छी चीज़ है लड़कियों के लिए। अभी आ रही है शादियाँ, और शादियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों की ये रहेगी कि मेकअप करेंगी भर भर के, और करना ही चाहिए, मेकअप हमारे लिए ही बना है तो हम ही यूज़ करेंगे ना, तो हम जो मेकअप भर भर के करेंगे उस मेकअप को हमको अच्छे से रिमूव भी करना होता है। तो मेकअप तो हम अच्छे अच्छे ब्रांड्स का यूज़ कर लेते हैं, और साथ में स्किन केयर भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स का कर लेते हैं, पर स्किन केयर भी करने के साथ साथ हम हमारे फेस को अच्छा मेकअप से क्लीन नहीं करते। मेकअप करने के बाद अगर हम हमारा फेस क्लीन नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम सो जाएंगे तो हमारे फेस पर जो इतने सारे पोर्स हैं वो सारे मेकअप से फिल हो जाएंगे, और मेकअप से फिल होने के बाद में रहेगी क्या प्रॉब्लम होती है, फेस पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज से फेस हो जाता है ख़राब, जो कि अभी मेरा इस वजह से नहीं हो रहा है। आप अगर मेरे वो व्लॉग्स कंटिन्यू देख रहे हैं तो किस वजह से हुआ था वो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा एक सल्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए, और सल्यूशन है मिस क्लेयर वाटर फेस को क्लीन करने के लिए मेकअप रिमूवर। और मेकअप रिमूव हमको अच्छे से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो तो मैंने बता ही दिया अभी तक, मैं मेरी कोई भी जानकारी आपको आधी अधूरी नहीं दूंगी, मैं पूरी जानकारी के साथ ही आपके पास आती हूं। तो मेकअप क्लीन हमको क्यों करना चाहिए अच्छे से वो तो मैंने आपको बता दिया, अब मेकअप क्लीन करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करें वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी आपने देख ही लिए होंगे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट, और शुगर का प्रोडक्ट, और मामा अर्थ का प्रोडक्ट। हमारी शॉप पर ये 3 मेकअप रिमूवर अवेलेबल हैं जो कि हमारी स्किन को डीपली अंदर तक क्लीन करते हैं, हमारे मेकअप को एकदम जड़ से ख़त्म करते हैं, हमारे फेस पर जो लगा हुआ है उसको, और पिंपल्स और ब्रेकआउट्स आने से बचाते हैं। तो मेकअप हमारा जब हो गया होता है और जब हम शाम को मेकअप उतारते हैं तो हम हमारा मेकअप क्या ओनली फॉर टिश्यूज से क्लीन करते हैं, मेकअप रिमूवर से ही क्लीन करते हैं, पर वो हम डीपली और नीटली क्लीन नहीं करते। और मेकअप रिमूव करने के लिए कभी भी ऑयल का यूज़ ना करें, मॉइस्चराइज़र का यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ऑयल हमारे फेस को हो सकता है ना सूट करे, उसकी वजह से पिंपल्स भी हो सकते हैं, और मॉइस्चराइज़र भी हमारे फेस को सूट ना करे तो उस वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। तो मेकअप हमेशा रिमूव मेकअप रिमूवर से ही करना चाहिए। तो मेकअप रिमूव तो हमको मेकअप रिमूवर से होने के बाद हमारे फेस को फिर डीप क्लींस करना चाहिए, पर मेकअप रिमूवर हमको ऐसा यूज़ करना है जिसके अंदर डीप क्लींजिंग हो, और ये सारे मेकअप रिमूवर हैं डीप क्लींजिंग के जो आपके पोर्स को अंदर तक क्लीन करने वाले हैं। हमारा मेकअप जब कम्प्लीटली क्लीन हो जाए तब एक हमको कॉटन पेड बिल्कुल प्लेन लेकर उसके ऊपर मेकअप रिमूवर लेकर लास्ट में लेके एक और बार घुमा देना है, ताकि हमारा मेकअप जो बचा कुचा भी कोनों में रह गया है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि हमारी ये लाइन जो है और ईयर के पास जो लाइन है वहाँ पर हम मेकअप हमेशा रिमूव करना भूल जाते हैं, और इस जगह पर मेन ज़्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपको पता चल गया ना आपके कहाँ पर ब्लैक हेड्स वगैरह आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, तो बस मेकअप रिमूवर हमको वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करना है। और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का मैं आपको फर्स्ट में मेकअप रिमूवर बता रही हूँ, इसके अंदर 2 पैकेजिंग है, एक बड़ा भी आएगा और एक छोटा भी आएगा। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इसकी जो लेयर्स हैं वो 2 टाइप्स की लेयर हैं, क्योंकि एकदम ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और ये एकदम नेचुरल है, इसको जब भी हमको यूज़ करना है तब शेक करके यूज़ करना है। और ये जो मेकअप रिमूवर है वो बिल्कुल अल्कोहल फ्री है, हमारे स्किन को कहीं से भी हार्म नहीं करेगा, और साथ ही बिल्कुल हमारे फेस पर ड्राइनेस नहीं आने देगा, और फेस को डीप क्लींस करेगा, और मेनली ये है ना नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो हमारे फेस के लिए हेल्दी है। और एलोवेरा इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और साथ ही हमारे साथ एलोवेरा हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, तो हमारे स्किन पर ना ब्रेकआउट्स आएंगे ना हमारी स्किन डैमेज होगी। सेकेंड आता है हमारा शुगर का क्लिनजिंग वाटर, ये भी हमारे फेस को अच्छे से डीप क्लींस करता है, और ये भी अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, ये भी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप से आएगी। ये तो हमारा टेस्टर है इसलिए ख़त्म होने आ गया है, और
ये भी प्रोडक्ट हमारे फेस को एकदम क्लीन करने वाला है। फिर आ जाता है मिस क्लेयर वाटर जो कि है मामाअर्थ का, और ये साथ ही फेस वॉश भी है, तो ये हमारे फेस को अच्छे से स्क्रबिंग करते हुए फेस वॉश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो सिलिकॉन स्क्रबर दे रखा है जो कि हमारे फेस के एक एक पोर्स को अच्छे से क्लीन करने वाला है और हमारे फेस पर पिंपल्स नहीं आने देगा और कम्प्लीटली हमारे फेस को मेकअप फ्री बनाएगा। इस टाइप से ये सिलिकॉन ब्रश दिखता है और इसके ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो आपके फेस को ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा और हमारे फेस को अच्छे से क्लियर करने में हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा हमको यूज़ करना इजी हो जाता है, पर ये डायरेक्ट फेस वॉश है और बाकी सारे जो हैं वो मेकअप रिमूवर हैं, तो फेस वॉश से डायरेक्ट मेकअप रिमूव होगा और इन सबको हमको कॉटन पैड्स के ऊपर लेकर फेस हमारा क्लीन करना है। तो मैंने मेरी आज की वीडियो में बताया है आपको सारे मेकअप रिमूवर जो भी अच्छे अच्छे हमारी शॉप पर अवेलेबल हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम थी और आपको ये प्रॉब्लम अब पता चली है कि इसलिए मेरे फेस पे पिंपल्स हो रहे थे, तो ये प्रोडक्ट जल्दी से बाय करें और अच्छे से हमारे फेस को क्लीन करके हेल्दी रखें। तो अब चलते हैं घर पर, सीधा आप घर पर जाके मिलेंगे। ये गज मंदिर किकावई धर्मशाला पूरा कम्प्लीटली लिखा गया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। कागल बेटू हमारा खाना चाचू लाए। पप्पा टिफिन खोलते थे, ये चिगू ने आज खाना मंगवा दिया था होटल से, तो सब्जियां तो आ गई हैं, अब हमको बनानी है सिर्फ रोटियां, तो रोटियां हम बना देंगे और रोटी घर की हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। थैंक यू। हाँ, सब्जी मंगवाने के लिए आटा तो मैंने अभी गूंद दिया है और जैसे ही सब जने खाने बैठेंगे वैसे रोटियां उतार दूंगी गर्मा गर्म, और अब थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए रेस्ट करते हैं। ये हमारा खाना आज का कंप्लीट, चिकू की ऑल टाइम फेवरेट पनीर भुर्जी, पनीर मस्का, रोटी और पापड़। कुछ नहीं बनाऊंगी ऐसा मन में सोचा था, पर चिकू ने सरप्राइज ही दे दिया, बहुत कुछ हो गया खाने में, तो अब खाने को एंजॉय करती हूँ। खाना खा लिया है, अब मैं अभी मैं कर रही थी ये किचन की क्लीनिंग, और ये दूध मम्मी ने गर्म करने के लिए रखा है रात को पीने के लिए, और पूरा स्टेन मैंने क्लीन कर दिया है, ये सब्जी है थोड़ी सी स्टेन। अब मैं सो जाती हूँ, किचन भी क्लीन हो गया है और अब चेंज वगैरह करूँगी, सोऊँगी फिर। और आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।